नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ इस वक्त नेशनल खबर 9 पर फारूक अब्दुल्ला। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। खबर मऊ जनपद से है, जहां गत दिनों थाना हल्दरपुर में अशोक यादव उर्फ जग्गू हत्याकांड का खुलासा मऊ पुलिस ने देर रात तक कर दिया, जिसमें दो लड़कियों की शिनाख्त परिवार वालों की पहचान के आधार पर हुई, जिसमें पहली लड़की स्वीटी उर्फ प्रतिभा चौहान पुत्री राम प्यारे चौहान निवासी चौहान बस्ती अलीनगर थाना सराय लखनसी हत्या को अंजाम देने में तथा सहयोगी सोनम यादव पुत्री शिवपूजन यादव निवासी मऊ कुबेर थाना हल्दरपुर सहयोगी के रूप पुलिस के हत्थे चढ़ गई। मऊ पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और लड़कियों का स्कूली बैग उनके पास से मृतक अशोक उर्फ जग्गू यादव की फोटो बरामद किया है। इस मामले में पुलिस पर अधीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक अशोक उर्फ जग्गू का स्वीटो से काफी दिनों से प्रेम संबंध था, इसी बीच उसका संबंध किसी और से हो गया जो स्वीटी को नागवार लगा। इसे क्रोधित होकर अपने ही सहेली के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। कौन मारा आप लोग पता करिए। जब घर गई थी नहर पे भी आई थी तो फिर वही नहर पे एक खून भी गिरा हुआ है, फिर मारा किसने? क्या कारण था? सुनो, क्या कारण था कि तुम उसकी क्यों हत्या की गई? क्या कारण है? क्या कारण है अब उसको पता होगा ना, हम तो उससे 4 मिनट बाद किए फिर वापस रिटर्न होकर चले आए। क्या वजह रहा कि उसकी दी हुई गिफ्ट वापस की? तो वो बोला ना मैं तो उससे बात नहीं करूंगा। मैं बोला ठीक है आप जब बात ही नहीं करोगे तो हम तुम्हारा। कितने दिनों से बात हो रही थी तुम्हारी उससे? 1 साल से बात हो रही थी। बात हो रही थी तो फिर क्या बीच में पड़ा कि दोनों में तकरार और दूरियां बढ़ गई? एक बार होटल में गए ना तो उसके बाद हम कॉल किए तो वो बोला ना कि आज के बाद से कॉल मत करना, होटल में ले जाकर तो दिमाग खराब करते है मेरा, जब वो आज के बाद से कॉल मत करना हमारे पास, हमें ठीक है नहीं कॉल करेंगे। तो फिर हम 2-3 दिन बाद कॉल किए तो कहे जब बात नहीं करोगे ना तो अपनी फोटो और अपनी घड़ी वापस ले लो तुम। तो कह रहा ना ठीक है मैं मंगलवार को आऊँगा। तो मंगलवार को सुबह मैंने कॉल किया तो सुबह में जब कॉल किया ना बोला जब वो आओ अपनी फोटो घड़ी वापस ले जाओ, तो बोला मैं नहीं आऊँगा। मैं बोला ठीक है तुम नहीं आओगे ना तो हमें आ जाना है तुम्हारे घर वापस कर देंगे। तो बोला ना ठीक है आब तो हम तो पानी पिए खातिर रख ले रहते हैं ऐसे। तो हम बोले ठीक है आ रहे हैं, तो कह रहे हाँ आओ और फ़ोन काट दिया। तो हम फिर आए उसके घर और वापस रिटर्न किए उसकी फ़ोटो और कापी। ठीक, उनसे भी वो बात से सहमत है क्या? है वो लड़की? इधर आ जा। आजा सोनम बताओ क्या हुआ था, वो बताएगी मेरे सामने ना। अगर हम चलो वहां पे बोलेंगे तुम बैठो। चलो चलो, क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने मारा? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। पुलिस किस लिए है? पुलिस डिपार्ट किस लिए है? पता करने के लिए कि कौन कत्ल कब कर रहा है और कहां कर रहा है और कैसे कर रहा है। अशोक के घर गई थी यार? अशोक के घर हम गए थे और सोनम भी गई थी, हम लोग दोनों लोग गए थे ठीक है। और फिर हम लोग जब वापस रिटर्न हो रहे थे ना, मतलब अशोक मैं उसे जग्गू कहती हूँ, जब जग्गू के घर से वापस रिटर्न हो रहे थे तो उसकी भाभी बोली हम उसको बुला दें। हम बोले नहीं, जब जग्गू के फोटो और घड़ी वापस हो गई है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है तो आप क्यों बुलाएंगे। तो वो पता नहीं कहाँ था ठीक है, तो उसकी भाभी बुला दी। तो हम लोग आधे रास्ते चले आए थे खेत में ठीक है, तो आधे रास्ते खेत में चले आए थे ना तो हाथ मार के हम लोग को बुला रहा था, कर रहा था हे आओ आओ। तो हम बोले सोनम से ना अरे यार सोनम लेट हो रहा है चलो जल्द उसको बुलाने दो। तो फिर बाइक लेके नहर के तरफ से आया ठीक है, नहर के तरफ से आया ना, फिर नहर के तरफ से इधर एक रास्ता है खेत की तरफ, तो खेत में बाइक लेके गया। तो सोनम से थोड़ा डिस्कस हुई इसके सिस्टर के बारे में, ये वो बोल रहा था ना कि ये बोली ना मेरी सिस्टर को उल्टा सीधा क्यों कहता है तू, तो वो बोला नहीं मैं तुम्हारे सिस्टर को कुछ नहीं उल्टा सीधा कहता हूँ ठीक है। तो वो बोला कि तुम्हारे गांव के जो लड़के हैं सब वो ग्राउंड में जाते हैं सब और तुम्हारे सिस्टर के बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ऐसे है। 27 तारीख के सायंकाल हम लोग तो जेल के निरीक्षण पे थे, उस समय सूचना मिली कि ये मझौली नहर के पास जो है अशोक कुमार यादव पुत्र दीप चंद्र यादव के चाकू मार दिया गया है, संभवतः मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ले गई और पोस्टमार्टम कराया गया इनका। वहाँ पर जब पूछताछ की गई तो वहाँ पता चला कि दोपहर में दो लड़कियाँ आई थी, एक आश्चर्यजनक बात थी और वो किसी फोटो की बात कर रही थी और उसके 15 से 20 मिनट मतलब विदिन हाफ एन आवर जो है ये घटना हुई है। घटना के खुलासे के लिए स्वाट टीम और इंस्पेक्टर हल्दर की टीम लगाया गया था।
इस घटना का खुलासा आज हुआ है। इसमें स्वीति कुमारी और प्रतिमा चौहान पुत्री राम प्यारे चौहान निवासी अलीनगर और सोनम यादव पुत्री श्री पूजन यादव ये मऊ कुबेर की हैं। इनके आपस में प्रेम संबंध थे और अब यह क्योंकि बिहार प्रांत में ऐसा बताया गया कि वन विभाग में कोई नौकरी पा गया था, इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था, इस वजह से इन लड़कियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इनकी भी तो ये फोटो ले जा करके उसको बहाने चले आए और बिल्कुल सुनसान है उसको जो है चाकू मार करके हत्या कर दी। इनके कब्जे से एक चाकू आला कर स्कूल बैग और जो फोटो लेकर के गई थी वह बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर और एस आई सुधीर कुमार मिश्रा और चार कांस्टेबल दो महिला कांस्टेबल गिरफ्तारी में सहयोग की घटना का खुलासा कर दिया गया। इनको नियमानुसार जेल भेजा गया। सुना गया कि कई लड़कियों से इनका संबंध रहा, कई लड़कों से मृतक के बारे में मैं कुछ इस घटना के अतिरिक्त बताने की स्थिति में नहीं हूँ और अब क्योंकि उनकी जान भी जा चुकी है और घटना का खुलासा हो गया तो इस तरह की जानकारी का कोई अच्छी स्थिति नहीं रहा। सर कैसे संपर्क में आई थी लड़कियाँ, कितने सालों से थे? ये सब जैसा ये स्वीकार कर रही हैं अजीब सी बातें करती है, कहती मेरे पास फीचर फोन है और दोस्ती बता, जब मैंने पूछा तो बताया दोस्ती फेसबुक से है। तो इनका संबंध दो से अधिक वर्षों से है, बीच में कहीं वो बाहर गया था तो बीच में अपना जैसे भी था, फिलहाल डेढ़ दो वर्षों का संबंध बताया गया। पैसे की कुछ बात आ रही थी 7 लाख रुपए की, वो क्या था? ऐसी कोई बात नहीं, लेन देन का कोई मामला नहीं। भावनात्मक रूप से दबाव और प्रेम संबंध के असफल या विफल हो जाने के उनके सहयोग में किसी लड़के का भी था कि बाइक से उसने इन लोगों को। अभी तक ये सब बातें इनसे प्रकाश में नहीं आई हैं, लगातार इस बात पर ये था कि ये कैसे भागी, क्योंकि स्थानीय ये सारी चीज़ों को जानती हैं और घटना को सुनसान में और ऐसे समय में किया गया था तो आपने जो बताया इस बिंदु के मद्देनजर रख करके भी विवेचना कराई जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे और भी ऐसी ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल खबर 9 पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।